फ्रेंड्स वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों बात करेंगे ORS के बारे में। हालांकि सभी लोग जानते हैं ORS कितना इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन होता है जो कि, और अपन समझेंगे कि भाई किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, ये चीज़ सबको पता नहीं होती है, तो कई बार अपन गलतियाँ कर जाते हैं। तो इन गलतियों से बचने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अच्छा लगता है वीडियो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ORS ये बहुत, ये समझ लो कि WHO कंपलसरी कर दिया हर कंट्री में, हर व्यक्ति के पास ये होना चाहिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन वगैरह हो रहा है तो ये ज़रूरी है। इसका कुछ कंपोजिशन होता है उसको भी समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं ORS है क्या। एक सॉल्ट है, एक प्रकार का सॉल्यूशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी का लॉस हो रहा है, गर्मी बहुत तेज है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, आप मेहनत का काम करते हैं, आपका जो है एनर्जी लेवल कम हो गया, तो आप ORS ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके बॉडी के अंदर से फ्लूड्स को मेंटेन करता है। फ्लूड्स बोले तो आपके शरीर का पानी। आपके शरीर में पानी में क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं भाई, पोटेशियम है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट है, ये सब चीज़ें, और इवन आपके बॉडी का शुगर लेवल, और इसलिए ORS के अंदर हल्की मात्रा में शुगर भी होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता, और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि आप घर पर भी बना सकते हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, लेकिन एक कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ हो। तो आप नमक और शक्कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले लें, आधी आधी चम्मच, और एक आधा गिलास पानी में उसको मिक्स कर लें, लगभग एक लीटर बना लें, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मूला है जो WHO और यूनिसेफ की तरफ से जो रिकमेंडेड किया गया है कि भाई उसमें क्या कंपोजिशन होना चाहिए, तो उसमें आपका सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और डेक्सट्रोज एनहाइड्रेट्स, ये होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा कंपनियों के ऊपर है भाई वो क्या मिला दे उसमें, अपने बेचने की स्ट्रेटजी है कि भाई वो हमारे ORS में विटामिन सी भी दे रहे हैं हम, इसमें ये फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, वगैरह वगैरह, वो अलग ही है। मेन कंपोजिशन चार होना चाहिए। अब बात करते हैं भाई किस किस को लेना चाहिए। देखो भाई, अगर आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, आपको उल्टी दस्त हो गए हैं, मतलब कि गर्मी के कारण आपको बोलते हैं कि लू लग गई, हमारे इधर बोलते हैं लपट लग गई, सो खैर इसमें क्या होता है, बॉडी का पानी ख़त्म होता है, लूज मोशन में जाता है आदमी, उल्टियाँ करता है, बॉडी का फ्लूड बाहर निकलता है, तो बहुत वीकनेस का कारण बनता है, ठीक है ना। तो उस कमजोरी, उस डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको उल्टी ज़्यादा हो रही है, दस्त ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप इसको ले सकते हैं। आप मेहनत का काम करते हैं, धूप में घूमते रहते हैं, दिन भर आपका बाहर का काम रहता है, तो आप ज़रूर अपने पास रखें और इसको समय समय पर लेते रहें, ठीक है। तो ये लोग इसको ले सकते हैं, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोग, एडल्ट लोग, ओल्ड एज तक ले सकते हैं। ORS ऐसी चीज़ है। गर्मी के कारण अगर आपको ऐसा लगता है भाई आपका पेशाब का आउटपुट, यूरिन आउटपुट कम हो गया, मतलब कि पेशाब कम निकल रहा है, आप ताकत लगा रहे हैं, पेशाब ज़्यादा नहीं निकल रहा, तब भी लेना चाहिए, अदरवाइज यूरिन इन्फेक्शन होने के खतरा रहता है, क्योंकि फ्लूड्स कम हो गया बॉडी में से, तो ये लोग ले सकते हैं। अब बात करें कि भाई किसको नहीं लेना है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, हर कोई लेता रहता है, सोचते हैं नमक शक्कर का घोली तो है नहीं। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो बिल्कुल नहीं लेना, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है, बिना डॉक्टर की परमिशन से तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपकी टेलमा, टेलमिसार्टन या एम्लोडिपाइन कोई भी दवाई चल रही है तो आप उसको ना लें, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसके अंदर डेक्सट्रोज होता है, तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो हाइपरटेंशन के मरीज, शुगर के मरीज, इनको ना लेना चाहिए, ठीक है। और कुछ कंडीशन है जिसके बाद आपको ORS नहीं लेना चाहिए, कि जैसे कि अगर आपको ORS आपने लिया, भाई आपको लूज मोशन हो रहे थे, आपको उल्टियां हो रही थी, या आपको चक्कर आ रहे थे, आपने ORS ले लिया, लेकिन फिर भी वो समस्याएं ठीक नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको नहीं लेना चाहिए, फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हो सकता है कि कोई और कॉज हो और कोई समस्या हो, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ORS इन सब चीज़ों को हैंडल कर लेता है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा तो अपने मन से ORS लेना बंद करो, फिर डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। और हर बीमारी में डॉक्टर को दिखाने चाहिए, लेकिन ये है कि ORS आप ले सकते हैं, सेल्फ ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको उल्टियाँ होती हैं, आपने ORS पी लिया और फिर भी उल्टी हो गई, जाहिर सी बात है वो ORS आपका बाहर आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है ORS लेने से, ठीक है, डॉक्टर को दिखाओ, कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगेंगे आपके, फिर आप ORS, या उसके बाद हॉस्पिटल में आपको ORS की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो फ्लूड चढ़ेगा IV फ्लूड बॉटल चढ़ती हैं जो, उनसे ही आपका काम हो जाएगा,
ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इन गर्मियों में आपको ORS का सेवन कैसे करना है। अब बात करें कि कितना यूज़ करना है, कितने पानी में, क्या है इसका तरीका, तो उसको समझ लेते हैं। लगभग 200 ml पानी में आप लगभग जो है 4 ग्राम ORS ले सकते हैं। 200 ml पानी में 4 ग्राम ORS आप मिक्स कर सकते हैं। छोटा सैचेट आता है उसको आप मिक्स कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बनाना, 1 लीटर बनाना है तो लगभग उसमें 20 से 22 ग्राम का सैचेट आप उसमें या 2 चम्मच मिक्स कर सकते हैं। 1 लीटर तक बना कर रख लो और उसको थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पीते रहो। ऐसा नहीं कि पूरा ही पीना, अगर आपने 200 ml बना दिया तो पूरा ही पीना, ऐसा कोई पी नहीं पाता है, कोई भी नहीं पी पाता। तो थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो सिप मारते रहो, थोड़ा थोड़ा चलते फिरते, तो वो आपको ख़त्म करना है 24 घंटे के अंदर। तो इस तरह से ORS फ़ायदा करता है। ऐसा नहीं कि आपने ORS बना दिया और पूरा ही पी गए, बस कि नहीं है, मन नहीं है, फिर भी पूरा पी गए, ऐसा नहीं करना। उल्टियाँ अलग हो सकती हैं क्योंकि सॉल्ट ही होता है एक प्रकार से। तो धीरे धीरे इसका सेवन करना है और कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, महिला, हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। और प्रेगनेंसी की बात की जाए तो प्रेगनेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है और आपका ट्राइमेस्टर पर डिपेंड करता है, आपकी प्रेगनेंसी की जो है कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर डॉक्टर की सलाह से आप ले सकते हैं, चल ही जाता है 99%। तो आई होप आप समझ गए होंगे ORS के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इसी तरह के वीडियोस और देखने के लिए। सो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो कि देता है आपको मेडिकल हेल्थ केयर की जेन्युइन नॉलेज। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियोस में। जब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।